देखिए ये बाथरूम की टूंटी कितनी गंदी हो चुकी है। देखिए ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। मैंने ये एक नींबू काटा है और इसके ऊपर दो चीज़ें लगाई हैं, और इसको लगाते ही देखिए दोस्तों ये कितना काम कितना वर्क करती है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसको कैसे चकाचक कर देगी ये 1 मिनट के अंदर ही। देखिए दोस्तों लगाते ही कितना फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों देखिए कैसे वर्क करती है ये, कैसे इस सारे के सारे जो इसके ऊपर गंदगी जमी हुई है इसको कैसे साफ करती है। ये देखिए दोस्तों इसको भी मैं साफ करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए देखिए लगते ही कैसे वर्क करता है ये, कैसे चमकने लगा है। देखिए दोस्तों आपके सामने है बिल्कुल। ये दो चीज़ें क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये आपके घर में आसानी से आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये दोस्तों, काफ़ी सस्ता और आसान ट्रिक है ये, इसको आप यूज़ कर सकते हो। नींबू के ऊपर लगाना है। देखिए दोस्तों इसको मैं वॉश करके दिखाता हूँ कितना निखार आया है इसमें। ये देखिए ये कितनी गंदी है और ये दोनों कितने चमकने लगी है, आपके सामने है दोस्तों रिजल्ट। ये देखिए बिल्कुल आपके सामने रिजल्ट है। ये देखिए कितनी गंदी है और ये बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों नींबू के ऊपर मैंने दो चीज़ें क्या यूज़ किया उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, ताकि आप भी यूज़ कर सकते हो और अपने घर के टुंटियों को आसानी से चमका सकते हो। देखिए दोस्तों इधर आइए, ये देखिए मैंने बेकिंग सोडा 1 चम्मच बेकिंग सोडे का लेना है, और 1 चम्मच लेना है ये वाइट सिरका, वाइट सिरके को लेना है, और नींबू लेना है। आप चाहे तो इसका घोल बना सकते हो, नहीं तो इसके ऊपर बेकिंग सोडा डालकर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लीजिए, ऐसे ऐसे बेकिंग सोडा डाल सकते हो। और ये सिरका मैंने ले रखा है वाइट सिरका विनेगर, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर लगा लेंगे। और देखिए इसको तीसरी टुंटी को भी मैं साफ करके दिखाऊंगा आपको। देखिए दोस्तों लगते ही कैसे असर करता है, देखिए लगते ही बिल्कुल चमका देता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कैसे लगते ही असर दिखाता है ये अपना। ज़्यादा इसमें मुश्किल भी नहीं है, आसानी से आप इसको साफ कर सकते हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर कीजिए, धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने है। देखिए दोस्तों कितने चमकने लगी है, बिल्कुल साफ हो चुकी है। ये भी गंदी है, इसको भी मैं साफ करूंगा। तो जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें और इसको यूज करें। थैंक यू।